भूटान सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम चलते हैं हा वैली, भूटान का एक हिडन जेम, दुनिया की चमक दमक से बहुत दूर। कमिंग अप। What's happening guys? Welcome to the vlog. अब हम फिलहाल थिम्पू में हैं, बट हम थिम्पू छोड़ रहे हैं, हम बस स्टैंड की तरफ चल रहे हैं और यहाँ से आई थिंक 10 मिनट्स या 5 मिनट्स की दूरी पे बस स्टैंड है। हमारी 9:30 की बस है, अभी 9 बज गए हैं। यूजुअली यहाँ पे होता है कि आप आधा घंटा पहले रिपोर्ट कर लो, बट 20 मिनट भी चलता ही है। हम जा रहे हैं यहाँ से हा वैली, पर वहाँ पे ना थोड़ा सा विलेज एक्सपीरियंस, कल्चरल एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो कितना टाइम लगता है, मुझे बोला गया 4 घंटे लगते हैं, बट देखते हैं। बस स्टैंड पहुँचते हैं, बस पकड़ते हैं और चलते हैं। पता नहीं कहाँ पे हैं, बट हम 33 किलोमीटर्स है हा से पहले, बट बहुत ही अमेजिंग नज़ारे हैं। अगर आप देख सकते हो मेरे सामने, बहुत ही पता है मेरे को लगता है कि अगर आप हा गाड़ी से जाओगे तो आपको चलेला पास से लेके जाता है, मगर ये रास्ते पता है क्यों अच्छे हैं? यहाँ ना कंट्री साइड है पूरी, जहाँ पे छोटे छोटे गाँव हैं, तो आपको सब देखने को मिलता है क्योंकि लॉन्गर रूट से लेके आती है बस। सो गाइज, अबाउट 6 घंटे की जर्नी के बाद, बहुत ही लंबी जर्नी थी, बट जैसे मैंने आपको बोला हमने लॉन्ग रूट लिया, हमने पारो के साइड से नहीं आए, हम दूसरे साइड से आए। अभी फ़िलहाल हम जस्ट पहुँचे हैं, एंटर किया हा और हम आए हमारे किनले वांगचू विलेज गेस्ट हाउस में। बेसिकली जो हा विलेज है वहाँ जैसे एंटर करोगे ना, सब होम स्टेज वहाँ पर हैं। जो लोअर हा है, जो मेन मार्केट है, वहाँ पे होटल्स मिलेंगे और होटल्स मैंने सुना है 3,500-4,000 से शुरू होते हैं। सो इट इज़ बेस्ट टू बेसिकली स्टे एट अ होम स्टे दो चीज़ों के लिए, एक तो लोकल इकोनॉमी हेल्प होती है, दूसरा यू गेट अ गुड नाइस लोकल एक्सपीरियंस विद अ फैमिली, जो मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे मैं बोला, जब आप शुरू करोगे ऐसे बहुत सारे, ये जो भी देख रहे हो आप ये सब होम स्टेज है। मैं आपको एक बार होम स्टेज यहाँ के दिखा देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू जस्ट वॉक इन फ्रॉम हियर, फिर ऐसे ऊपर जाने के लिए है, ये है अंदर। बेसिकली दिस इज व्हाट अ भूटानी हाउस लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। दिस इज अ हाफ हाउस जो आप देख सकते हैं, मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखा दूंगा, बहुत ही अमेजिंग है। चाय, इसमें चाय देते हैं, इसमें गर्म पानी आपको। एंड देन दिस इज अ लिटिल प्लेस व्हेन ओके दिस चिलिंग ऑन द फोन। ये मेरा बेड, ये बेसिक फुल सेटअप आपको विदाउट फूड 850 रुपीज पर पर्सन पर नाइट का लगता है, 350 पर पर्सन डिनर है और 250 पर पर्सन ब्रेकफास्ट है। यू डू नॉट गेट एनी फॉर्म ऑफ लंच, प्लीज आई डोंट नो ऑफ। When you come out over here, तो आपको एक बेहतरीन सा गार्डन मिल जाएगा यहाँ पे विथ फ्लावर्स। सो इट्स लाइक अ लोकल हाउस, वेरी नाइस। यहाँ पे हॉट स्टोन बात है, मैं इसके बारे में और बात करूँगा लेटर ऑन, बट द बेस्ट थिंग इज यू आर अमंग्स द माउंटेन्स एंड द फ्रेश एयर। इट इज सिंपली बोलूँ ना, दिल खुश हो गया मेरा। अभी आप जाके थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स देखो ये होम स्टे के, तो आपको भी थोड़ा बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। मैं जाता हूँ, चेंज करता हूँ, बहुत थक गया हूँ, मिलता हूँ आपको कल सुबह। Thank you.
गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड दैट मॉन्टाज जो मैंने कल शाम को बनाया होम स्टे के बारे में. मुझे सिर्फ थोड़े क्लोजअप्स लेने थे और दिखाना था आपको कितने ब्यूटीफुल गार्डन था वो हमारा होम स्टे पीछे जो आपने देखा है. अभी आज हम बेसिकली एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरी हा वैली. हमारे पास हमारे कैमराज हैं. अब बेसिकली हमारे जो होम स्टेज हैं यहाँ से एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो आई थिंक 100 या 150 मीटर्स है यहाँ से, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं. तो गाइज जैसा मैंने कहा था, 2 मिनट की वॉक के बाद हम पहुंचे हैं लखांग कारपो जो ऑल्सो नोन एज द व्हाइट मोनेस्ट्री. बेसिकली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट्स इन हा. ये जो मोनेस्ट्री है ये व्हाइट कलर की है और ये बेसिकली एम्बॉडी करता है काइंडनेस और धर्मा जो बुद्धिस्ट में माना जाता है. ये मोनेस्ट्री उसके लिए सिग्निफिकेंट है. ये मोनेस्ट्री 7th century में बनी हुई थी एंड दिस इज वन ऑफ द 108 गोम्पास मेड बाय द 7th king ऑफ टिबेट. बहुत ही अच्छी जगह है, आप देख सकते हो. इनफैक्ट यहाँ पे मॉन्क क्वार्टर्स भी हैं जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं. बहुत ही बड़ा कंपाउंड है आप देख सकते हो. तो अमंगस्ट द माउंटेंस मिस्ट है सब जगह. बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस. और मैं सच बोलूँ, मैं और अनुकेत वी आर द ओनली टूरिस्ट हियर. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू हैव फॉर योर ओन. तो गाइज अभी हो गया है, हमने व्हाइट मोनेस्ट्री चेकआउट कर लिया. आई होप आपको मोन्टाज अच्छा लगा. व्हाइट मोनेस्ट्री है, यहाँ से रास्ता ऊपर जाता है. एक 10 मिनट का वॉक है जहाँ पे अगली जगह है. बेसिकली ये जो आप देख रहे हो सब मॉन्क्स के क्वार्टर्स हैं. तो गाइज अभी हम ऊपर आ गए हैं और आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये है ब्लैक गोम्पा. यहाँ का जो ब्लैक मंदिर है आप देख सकते हैं, यहाँ का ना जो थोड़ा बहुत है पोर्शन वो ब्लैक पेंटेड है. तो ये और वो वाइट मंदिर साथ में बने थे बेसिकली. दोनों 7th century के आसपास ही बने हैं. एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं मालूम है. ये जो है ब्लैक मंदिर है, दिस सिग्निफाइज जो यहाँ का तांत्रिक कल्चर है वो इसे सिग्निफाई करता है. यहाँ पे कोई मॉन्क्स नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ विजिट करके लोग चले जाते. तो गाइज अभी हम जा रहे हैं ब्लैक गोम्पा में. जो पीछे हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत ही छोटा है एक्चुअली. तो जितने भी शॉट्स ले पाया मैं ले लिए आपको पूरा दिखाने के लिए कि दिखता कैसे है. बिकॉज बहुत ही अच्छी जगह है. मुझे सिर्फ इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज जो इनका ब्लैक मैजिक है ये एरिया में तांत्रिक शक्तियाँ उसके लिए है. सो आई जस्ट वांटेड टू सी इट, वो मेरी क्यूरियोसिटी थी. तो अभी हम नीचे जा रहे हैं हार्ट टाउन की तरफ, क्योंकि अब तक हमने हार्ट टाउन नहीं देखा तो वो देख लेते हैं. तो गाइज हम वॉक कर रहे हैं हार्ट टाउन पे. बट बीच में आपको ये देखिएगा, ये भूटानी आर्मी का मिलिट्री स्कूल है. यहाँ से आगे जाना अलाउड क्यों नहीं है यहाँ से, क्योंकि यहाँ 13 किलोमीटर दूर डोकलाम है जहाँ पे इंडियन आर्मी का 73 डेज स्टैंड ऑफ हुआ था विद द चाइनीज आर्मी. बिकॉज चाइनीज आर्मी एज यूजुअल जो काम करते हैं वो अंदर आने को ट्राई कर रहे थे, इंडियन आर्मी ने उन्हें पीछे थोड़ा रखा. तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा बेस इसलिए बना हुआ है बिकॉज द इंडियन आर्मी एंड द भूटानी आर्मी वर्क टुगेदर टू कीप द चाइनीज बिहाइंड डोकलाम. बस वो तो ट्राई करते ही रहेंगे जैसे करते रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ये सब एरियाज शूट नहीं करने चाहिए क्योंकि यू नो दीज आर ऑफ सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस. बट ये बीच में आ रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूँ. अब 2 किलोमीटर उस पार हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द मेन टाउन. तो गाइज आफ्टर 45 मिनट या 45 मिनट्स का वॉक था, बस हम फोटोज़ वीडियो लेते आए थे. तो ये बेसिकली हा टाउन है, इसको बोलते हैं लोअर हा. यहाँ पे सब दुकानें हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट ढाबा छोटे मोटे हैं. बट मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ. यहाँ पे आपको मोमोज मिल जाएंगे, आपको शायद मैगी मिल जाएगा, कप नूडल्स मिल जाएंगे, ये सब बेसिक चीज़ें मिलती हैं.
यहाँ पे मैंने कोई बड़े रेस्टोरेंट तो देखे नहीं है अभी। उस तरफ भी थोड़े रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब यहाँ से 200 मीटर दूर, वहाँ जाएंगे कुछ खाएंगे। तो गाइज लंच हो चुका है, बहुत ही बेसिक लंच था। तो जो लोअर हा का मार्केट है वहाँ पे ऐसा आपको एक स्तूपा टाइप दिखेगा, उसके साइड पे एक ब्रिज है जो हम क्रॉस करने वाले हैं, सस्पेंशन ब्रिज है छोटा सा जो हमें उस तरफ ले जाएगा रिवर के। तो ऊपर चलते हैं और उधर से बताता हूँ मैं। तो गाइज अभी हम आ गए हैं ब्रिज पे, थोड़ा सा अनस्टेबल है तो डर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ ये जो रिवर देख रहे हैं, ये पूरा रिवर हमारे होम स्टे तक जाता है। ये यहाँ का हाचू रिवर है और बहुत ही ब्यूटीफुल ऑल अराउंड है। तो हम इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ एक मंदिर है छोटा सा और एक डे केयर सेंटर है, पर मैं ये ब्रिज से सिर्फ ये नज़ारे देखने आया था जो इस तरफ हा वैली और इस तरफ हा वैली और बीच में ये हाचू रिवर। अभी हम हाचू रिवर के इस तरफ आ गए हैं कि हम पूरा टाइम उस तरफ थे, आज पहली बार इस तरफ आए हैं। आपको एक और चीज़ बोलना भूल गया मैं, जो हाचू रिवर है ये वांगचू रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो बहुत ही बड़ा रिवर है भूटान का। अब हम इस तरफ देख रहे हैं, किसी ने हमको बोला ये ब्यूटीफुल सी ट्रेल है अमंग्स द माउंटेन्स एंड द फॉरेस्ट, और हमने ये ऐसी कोई वॉक नहीं की थी तो हमको लगा ये ट्रेल देख लेते हैं। आई थिंक 15 मिनट आगे जाती है पर हमें मालूम नहीं है इस ट्रेल के एंड पे क्या है। हम पहुंच गए, ये ट्रेल बेसिकली यहाँ पे एंड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉसिंग नहीं है, और फिर यहाँ से पूरा हा दिखता है विद द जंगल्स एंड द माउंटेन्स। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा इस तरफ आओ अगर आप हा आ रहे हो, इस तरफ आके बैठ जाओ, इट्स फार मोर पीसफुल दैट साइड। उस साइड भी पीसफुल है बट हियर यू विल हैव द होल थिंग टू योर सेल्फ और आपको पूरे हा का व्यू मिलेगा यहाँ से, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो हा वॉज मेड बिटवीन 3 माउंटेन्स विच आर कॉल्ड द प्रोटेक्टर्स ऑफ हा, आई थिंक दिस इज 1, this is 2 and this is 3 and that's why Ha is all over here. So basically mana jata hai ki ye 3 mountains Ha ko protect karte hain. तो गाइज हम होम स्टे वापस आ चुके हैं, इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एक्सप्लोरिंग हा। और एक लास्ट एक्टिविटी बाकी है, और ये जो एक्टिविटी है वो सिर्फ होम स्टेज पे होती है, तो अगर आप होटल में रहोगे तो ये एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिकली हमने ये होम स्टे भी लिया, हमें एक लोकल फैमिली के साथ भी रहना था बट ये भी करना था। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सो दिस इज़ अ फायर दैट इज हीटिंग दीज स्टोन्स, और ये 2 घंटे के लिए करना पड़ता है अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है। बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि क्या एक्टिविटी है, एक बार ये शुरू हो गई ना फिर मैं तभी वहाँ से समझाऊंगा आपको, तो आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा तब तक ये गर्म नहीं होते। Finally, I am in the hot stone bath, which I didn't want to reveal at that time. It's a very dimly lit room, very dingy. That's Anuket over there. And this is where we keep our clothes. This is basically the hot stone bath that I'm talking about. मगर सच बात बोलूँ गाइस, जैसे मैंने बोला था अगर आप हाँ आ रहे हो तो आपको ये करना ही चाहिए, बिकॉज हमने आज कम से कम 5 या 6 किलोमीटर चला होगा और इतना अमेजिंग फील हो रहा है ना, हम इतना भीगे रेन में और सब, दिस इज़ एब्सोल्युटली रिलैक्सिंग। तो इसकी अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूँ तो ये जो हॉटस्टोन बाथ थी ये एरिया की भूटान की, दिस इज़ अ वेरी लोकल थिंग। इसका क्या है बेनिफिट कि ये बेसिकली स्टफ़ लाइक यू नो स्टमक प्रॉब्लम्स,
आर्थराइटिस, इवन स्टफ लाइक हाइपरटेंशन को दूर करता है. तो इसमें जो पत्थर बेसिकली पड़ते हैं उन्हें इतना गर्म किया जाता है दैट व्हेन इट्स पुट इन द वाटर वो अपने जो भी गुड प्रॉपर्टीज हैं और क्वालिटीज हैं वो पानी में द हॉट वाटर अब्सॉर्ब्स दैट एंड देन योर पोर्स अब्सॉर्ब इट. आई कुडंट हैव हैड अ बेटर एंड टू द हा वैली व्लॉग. अभी मैं इधर रिलैक्स करता हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में. टेक केयर, साइनिंग ऑफ. इसके बाद हमने अराउंड 1.5 hours हॉटस्टोन बाथ में चिल किया बिफोर कॉलिंग इट अ डे. आई होप यू गाइज एंजॉयड द हा वैली व्लॉग. इफ यू गाइज डिड, प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम जा रहे हैं पारो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.